हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि इसका प्रिंसिपल क्या है, रिएजेंट्स क्या हैं, प्रोसीजर क्या है इसके अंदर और क्या क्या स्टेप्स जो हैं इसके अंदर यूज होंगे स्टेनिंग करने के अंदर। तो सबसे पहले जो है वो हु डेवलप्ड दी ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। इट वॉज डेवलप्ड बाई क्रिश्चियन ग्राम इन 1884 एंड देन अगेन इट वॉज मॉडिफाइड बाई हुकर इन 1921। तो इस तरीके से ये जो है इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर के जो है इस प्रोसीजर को डेवलप किया। अब सबसे पहले जो है वो बात उठती है कि जरूरत क्या है ग्राम स्टेनिंग की, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग जो है वो हम इसका इस्तेमाल करते हैं टू टेस्ट एंड डिफ्रेंशिएट द बैक्टीरिया इंटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में, उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है वो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो हम इसको दो ग्रुप्स के अंदर जो है बांटते हैं। वन इज ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और दूसरा जो टाइप है वो ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये जो हम इनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेन्स। यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्राइमरी डाई जो है क्रिस्टल वायलेट उसको रिटेन करते हैं और ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यहाँ पर जो काउंटर स्टेन है सेफ्रिनिन उसको जो है उससे स्टेन होते हैं। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द ग्राम स्टेनिंग, उसके पीछे जो है वो प्रिंसिपल क्या है। यहाँ पर तो हमने बात की कि हमारे पास में दो मेजर ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया के, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। और ये जो ग्राम स्टेन की टेक्निक है इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स एंड द सेल वॉल्स ऑफ द टू ग्रुप्स। ये जो दो ग्रुप हैं इनकी सेल्यूलर मेम्ब्रेन जो है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर जो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक हाईली क्रॉस लिंक्ड लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, और ये जो लेयर है दैट इज एबल टू रिटेन द प्राइमरी डाई क्रिस्टल वायलेट, उसको ये रिटेन करती है। और दूसरा जो है वो यहाँ पर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, दे डू नॉट कंटेन द थिक क्रॉस लिंक्ड लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है पेप्टाइडोग्लाइकन जो होते हैं वो लूजली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इनर सेल और आउटर सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो इस तरीके से जो है ये उसको रिटेन नहीं रख पाते हैं प्राइमरी डाई क्रिस्टल वायलेट जो है। और इस तरीके से जब हम यहाँ पर एसिड अल्कोहल जो है जो एक डीकलराइजर है उसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी लेयर जो है आउटर सेलुलर मेम्ब्रेन जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है और उसकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो होल्स हो जाते हैं और वो कलर वॉश आउट हो जाता है और इस तरह से सेल जो है वो कलरलेस अपीयर हो जाती है। तब जो है वो यहाँ पर ग्राम नेगेटिव सेल्स जो हैं वो पिंक कलर के स्टेन होते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो ग्राम स्टेन रीएजेंट्स इसके अंदर हमने दिए हैं कि ये प्राइमरी स्टेन होता है जिसके अंदर क्रिस्टल वायलेट यूज होता है, दूसरा जो है वो ग्राम्स आयोडीन कहलाता है और फिर जो है वो एक डीकलराइजर है जो हम यूज़ करते हैं और फिर एक काउंटर स्टेन सेफ्रिनिन जो है वो उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर, क्या स्टेप्स जो हैं वो हम इसके अंदर ग्राम स्टेनिंग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर जो भी बैक्टीरियल स्पेसीमैन है उसको माइक्रोस्कोपिक स्लाइड जो है उसके ऊपर फिक्स करने का काम करेंगे। तो उसको जो है यहाँ पर फिक्स किया जाएगा, उसके बाद में जो है वो हम इसके ऊपर जो है स्मीयर जो है उसको क्रिस्टल वायलेट जो प्राइमरी स्टेन है करीब 20 सेकंड तक जो है उससे कवर करेंगे और उसके बाद में हम उसको जेंटली रिंस ऑफ कर देंगे पानी की मदद से।
फिर जो है वो यहाँ पर हम दूसरा जो है ग्राम्स आयोडीन जो है, जो एक मॉर्डेंट है, उसको एक मिनट तक इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। एक्सेस में जो भी ग्राम आयोडीन यहाँ पर होगा उसको हम पोर ऑफ कर देंगे। और फिर जो है वो हम यहाँ पर एक एसिड एल्कोहल डीकलराइजर जो है उसको जो है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जब तक कि हमारा जो है ये एकदम क्लियर नहीं हो जाता है। और फिर जेंटली इसको पानी से अगेन वॉश कर देंगे। उसके बाद में जो है वो हम जो स्मियर है उसको सेफ्रिनिन से कवर करेंगे, जो कि एक सेकेंडरी या काउंटर स्टेन है, अगेन फॉर 20 मिनट्स के लिए। तो इसको भी जो है वो हम वाटर से फिर जेंटली रिंस कर देंगे और ड्राई करके उसके बाद में हम माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो हम रिजल्ट्स देखें तो जो हमारा ग्राम पॉजिटिव यहाँ पर जो बैक्टीरियल स्लाइड होगी उसका तो ब्लू और पर्पल कलर उसके अंदर दिखाई देगा, मतलब वो जो प्राइमरी स्टेन हमने क्रिस्टल वायलेट का इस्तेमाल किया था उसी से स्टेन्ड जो है ये दिखेगी। और जो ग्राम नेगेटिव है उसके अंदर, बिकॉज वहाँ पर जो है वो होल्स हो गए थे उस सेल मेम्ब्रेन में और वो कलर जो है निकल गया था, इसलिए ये जो है जब हमने काउंटर स्टेन सेफ्रिनिन का इस्तेमाल किया है तब उसके द्वारा जो है वो रेड और पिंक कलर के अंदर स्टेन होगा, ये हमें दिखाई देगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ये स्टेनिंग टेक्निक जो है इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। अगर हम यहाँ पर ओवर डीकलराइजेशन कर देंगे तो यहाँ पर जो है आइडेंटिफिकेशन उसका क्लियर नहीं होगा, मतलब ये हुआ कि ओवर डीकलराइजेशन और अंडर डीकलराइजेशन जो है वो दोनों ही यहाँ पर जो है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हार्मफुल होंगे। ओवर डीकलराइजेशन की वजह से जो है ये फॉल्स ग्राम नेगेटिव रिजल्ट हमारे पास में आएंगे और अंडर डीकलराइजेशन की वजह से फॉल्स ग्राम पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें ये शो करेगा। फिर उसके बाद में जो है वो स्मियर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक या विस्कस भी जो है नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है वो भी क्लियर रिजल्ट्स नहीं देता है। अगर कल्चर जो है वो ज़्यादा पुराना हो गया, जो बैक्टीरियल कल्चर है 16 से 18 घंटे से अगर ज़्यादा वो पुराना हो जाएगा तो फिर उसके अंदर जो है वो लिविंग और डेड सेल्स दोनों जो हैं दिखाई देने लगेंगे और वो भी क्लियर रिजल्ट जो है नहीं देगा। उसके बाद में जो है वो अगर स्टेन भी पुराना हो जाएगा तो फिर वो भी उसके अंदर भी जो है वो प्रेसिपिटेशन होना लगता है, तो फिर हम या तो अगर उसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर हमें उसको फिल्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें नया स्टेन जो है लेना पड़ेगा। उसके बाद में जो है वो अगर हम ये कुछ पेशेंट्स में से हमने लिया है, ये जनरली जो है वो किसी भी डिजीज के अंदर ही जो है ये स्टेनिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए भी जो है वो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जो है वो ये स्टेनिंग टेक्निक जो है वो यूज़फुल हो पाएगी। अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव में जो है वो हमारे पास में है स्ट्रेप्टोकोकस हैं, लिस्टीरिया है, बेसिलस है, ये बैक्टीरिया हैं। और ग्राम नेगेटिव के अंदर जो है वो मेन ई कोली जो है बैक्टीरिया है हमारे पास में। तो ये हुआ हमारा जो है ग्राम स्टेनिंग का एक बहुत ही शॉर्ट में मेथड कि हम कौन से स्टेन्स इसके अंदर इस्तेमाल करें और किस तरीके से जो हैं वो अलग अलग तरह के बैक्टीरिया जो हैं वो स्टेन करने के बाद में दिखाई देते हैं। थैंक यू।